एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो आज आपने अभी किया. तो पहला क्वेश्चन, दो बॉल्स वो कहेगा एम और एम आर मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड वी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मास बराबर है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इन 1D, तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी. तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, इसकी वी हो जाएगी. तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर है. नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं. एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है. देखो जब भी इस टाइप की कोलिजन के क्वेश्चन आए प्लीज डायग्राम साथ की साथ बनाना, नहीं तो गुम जाओगे इसमें, समझ नहीं आएगा क्या करना है. तो मैं हमेशा डायग्राम साथ बनाऊंगा इसके. तो बॉल जिसका मास 0.1 kg है, ये रहा 0.1, मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद बॉल ऑफ अननोन मास लाइंग एट रेस्ट. तो इसका मास 0.1 kg है, इसका मास मुझे पता नहीं, और ये किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट. तो इसकी वेलोसिटी u2 क्या है, 0, बिफोर कोलिजन 0, और u1 क्या है, u मान लिया, किसी वेलोसिटी से इसको हिट करने आ रही है ये, इसकी वैल्यू गिवन तो नहीं है पर चलो u मान लिया. इफ 0.1 kg रीबाउंड्स एट 1/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, तो 0.1 kg ने रीबाउंड का मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली आफ्टर कोलिजन, और कितनी स्पीड के साथ गई थी, यू के साथ वापस आई, यू बाय 3, 1/3 ऑफ स्पीड के साथ. तो ये अगर यू वन है तो ये क्या माना जाएगा, वी वन. तो वी वन की वैल्यू कितनी है, यू बाय 3. तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, यू बाय 3. तो अब बिफोर कोलिजन इसको यू वन बोलते हैं, आफ्टर कोलिजन इसे वी वन बोलते हैं. तो बिफोर कोलिजन यू है, आफ्टर कोलिजन यू बाय 3 है. इसके बारे में मुझे पता नहीं क्या है, गिवन ही नहीं है. क्वेश्चन है आपको इसका मास निकालना है क्या है, आपको बस ये पता है कि V1 की वैल्यू क्या है. तो आप एक काम करो, आप V1 का फॉर्मूला लिख लो. लिख लिया फॉर्मूला V1 का, V1 के फॉर्मूले में U2 को उठा के क्या पुट कर दो, 0, तो ये टर्म तोड़ गई. U1 को क्या पुट कर दो, U, U1 को U, M1 की जगह 0.1 दूसरा मास निकाल लें, M1 की जगह 0.1 दूसरा मास निकाल लें, और V1 की जगह U बाई 3 नहीं, याद रखना राइट की तरफ जाने वाली वेलोसिटीज पॉजिटिव है और रीबाउंड लेफ्ट की तरफ आने वाली वेलोसिटीज नेगेटिव है, डायरेक्शन चेंज हो गई. तो न्यूमेरिकल के अंदर भी आपने यहाँ U बाई 3 नहीं पुट करना, आपने माइनस U बाई 3 पुट करना है. पॉइंट समझ में आ रहा है. तो V1 की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस U बाई 3, U से U क्या हो गया, कैंसल, माइनस 1/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगी. आपको मेथड समझ में आ रहा है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम दूंगा करने के लिए. आपको मेथड समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ना है सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर आपने ये देखना है कि गिवन क्या है. जैसे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, V1 गिवन है, U1 गिवन है, आप V1 का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे. ठीक है यहाँ तक. जैसे सपोज करो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक, आप करके देख लें एक बार, ये लो इस क्वेश्चन को ट्राई करना. डायग्राम मैंने बना के दिया हुआ है इसमें, जबकि बनाना आपको है. बॉडी जिसका मास छोटा m है, स्ट्राइक्स बड़ा m एट रेस्ट, तो बड़ा m किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट. कोलिजन इलास्टिक है, आफ्टर कोलिजन छोटा m हैज अ स्पीड 1/3 ऑफ ओरिजिनल, उसने ये नहीं कहा रीबाउंड, अगर रीबाउंड नहीं कहा तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम, तो वेलोसिटी u की जगह क्या हो गई, u बाय 3 इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी 1/3 हो गई. इसके बारे में मुझे पता नहीं, तो आपको u1 पता है, आपको इसमें v1 पता है. तो इस डायग्राम में ये लिख लें, ये टर्म क्या है मेरी, u1, या u2 क्या है, 0, ये क्या है, v1. तो आपको रेशियो निकालनी है बड़े और छोटे m की, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, v1 का लगाओ, v1 का बड़ा फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज पुट करो, u2 को 0 पुट करो, मास पुट करो और सॉल्व करके मासेस की रेशियो निकालो, लगाओ फॉर्मूला v1 का.
कितना होगा, 1/2 आ गया, आ गया। तो इसमें क्या करना है, समझ में आ रहा है कि m1, इसमें v1 गिवन है ना, तो v1 का फॉर्मूला पुट कर लिया, u2 को जीरो पुट कर लिया, m1 की जगह छोटा m, m2 की जगह बड़ा m, u1 तो u गिवन ही है और v1 क्या गिवन है, u by 3, u से u कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें 1/2 आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कैसे करना है, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो पक्का आपके किसी कंपटीशन में या एनसीईआरटी स्कूल में आने हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब इलास्टिक कोलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन समझते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर 1D के अंदर मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u, तो डायग्राम में साथ साथ बनाता हूँ, तो मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u और ये क्या गिवन है, u1। स्ट्राइक्स अ पार्टिकल ऑफ मास k टाइम्स m, k कोई कांस्टेंट है, जैसे 4 गुना 5 गुना, तो k टाइम्स कर लिया, k टाइम्स m और रेस्ट पे है, तो u2 इज इक्वल टू 0। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू स्ट्रक पार्टिकल, तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इस बॉल ने इस बॉल को ट्रांसफर कर दी। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको ऐसे समझना चाहिए जो मैं भी समझा रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपके पास एक बॉल है जिसकी एनर्जी 10 जूल है काइनेटिक इनिशियल टक्कर से पहले, और ये बॉल किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। कोलिजन के बाद इसके पास एनर्जी सिर्फ 2 जूल रह गई, तो ऑब्वियसली इसके पास कितनी आई होगी, 8 जूल, क्योंकि इलास्टिक में टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल को कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, 8 जूल, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, अब कितने हो गया, 8, तो फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल को 8 जूल एनर्जी ट्रांसफर की, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर की वो कितनी हुई, अब देखो फ्रैक्शन में क्या है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, 8 जूल, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल एनर्जी, क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल एनर्जी, तो बोलो क्या आएगा, 8 जूल डिवाइडेड बाय 10, कैसे, क्योंकि चाहे तो यहां ऐड कर लो या इसे ऐड कर लो, इसकी एनर्जी क्या है, 0 और 10 मिला के क्या आएगी, 10। समझ में आ रहा है यहां तक, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, इसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, याद रहेगा यहां तक। चलो क्वेश्चन देखते हैं, यही तो क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो ये दो बॉल्स की इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी u है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड कितनी है, अच्छा वैल्यू ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड कितनी है, कितनी एनर्जी इसने इसको ट्रांसफर की, हाफ दिस मास इनटू v2 स्क्वायर, ये एनर्जी ट्रांसफर की, फ्रैक्शन निकालने के लिए इस एनर्जी को टोटल एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, क्या बताया था, इन दोनों का सम कर ले एनर्जी का, ये तो 0 ही है, इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू वन स्क्वायर, हाफ एम यू वन स्क्वायर, तो फ्रैक्शन समझ में आई कैसे निकली, तो पहले सेम कॉन्सेप्ट है वो 10 और 8 वाला, तो पहले एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई वो ये बताएगी, इसके पास कुछ था तो था नहीं, अब इसके पास कितनी एनर्जी है, हाफ इंटू के एम इंटू वी टू स्क्वायर, ये एनर्जी ट्रांसफर्ड है, डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालने के लिए दिस प्लस दिस एनर्जी, इसकी तो एनर्जी है ही नहीं, तो इसकी एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू वन स्क्वायर, तो एम से एम क्या हो गया, कैंसल। आपके पास अब आपको क्या चाहिए, फ्रैक्शन निकालने के लिए V2, तो V2 का बड़ा सा फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में U2 की वैल्यू को क्या पुट किया, 0, तो आपके पास ये टर्म आ गई, मास में m1 आपको m गिवन है, m1 आपको m गिवन है, m2 आपको km गिवन है, और U1 की वैल्यू U गिवन है, सॉल्व करके क्या आ गया, V2, इस V2 को उठा के यहां पे पुट किया आपने होल स्क्वायर और सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ऑप्शन दिखेगा, न्यूमेरिकल के अंदर प्रूफ करने को भी आएगा, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। पॉइंट समझ में आया कैसे किया, देखो सिंप्लीफिकेशन करना आपका काम है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी से डिवाइड करनी है हमने। अब ये भी आ सकता है
ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल को ट्रांसफर कर दी, तो फर्स्ट बॉल के पास कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बच गई? टोटल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? वन। इतना फ्रैक्शन ट्रांसफर हो गया तो फिर रिटेन कितना हुआ, बचा कितना? वन में से इस फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, तो फिर ये क्वेश्चन आप करोगे, यस सर, ये क्वेश्चन आप करोगे, ये लो सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन है, शो दैट व्हेन अ बॉडी कोलाइड विद अनदर बॉडी एट रेस्ट विद अ मास 1/m × m1, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, 1/m, नॉर्मली k टाइम्स होता है, 1/k होता है, ये 1/m है, तो मास कितना है m2 का? 1/m × m1, तो m1/m मास है इसका, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि बॉडी इतना फ्रैक्शन, इसको लिखो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इसके इक्वल है, लिखा नहीं हुआ, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या केस है, u1 के साथ आया, ये रेस्ट पे है, तो u2 इज इक्वल टू जीरो, m1 की वेलोसिटी v1, m2 की v2, कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई? तो आंसर होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी थी? इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, इसकी तो थी नहीं, तो इसकी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो यहां से अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, v2, v2 के फॉर्मूले को लिखो, v2 के फॉर्मूले में u2 को क्या पुट करो, जीरो, तो ये टर्म उड़ गई। अब मास m1 की जगह तो m1 पुट करो, पर m2 की जगह क्या पुट करो, m1/m जो कि गिवन है, तो m1 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंप्लीफाई होके ये क्या आ गया, v2। इस v2 को उठा के इसमें पुट करो होल स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर, तो सॉल्व करके m1 m1 हाफ हाफ u1 स्क्वायर सब कैंसिल होगा और जो प्रूव करना है उसकी वैल्यू आएगी। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो कि सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, मास m है, वो मूव कर रही है, जो वेलोसिटी अज्यूम करनी है कर लो, सेकेंड बॉडी का मास 4 टाइम्स है फर्स्ट बॉडी से, तो आफ्टर कोलिजन आपको बताना है
कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया गया फर्स्ट बॉल ने सेकेंड बॉल को, परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोलो क्या परसेंट आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन निकालनी तो आती है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ गई। तो कितने लोगों का 64% आ गया। देखो इसमें क्या करना है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u है, तो u1 की वैल्यू क्या है, u है, और u2 की वैल्यू क्या है इसमें, जीरो। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो अगर मैं ये बोलूं कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कितनी है, तो बोलो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, हाफ इंटू 4m इंटू v2 स्क्वायर, ये एनर्जी ट्रांसफर्ड है। टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर। वी टू का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वी टू के फॉर्मूले में एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय एम टू प्लस एम वन इंटू यू टू प्लस टू एम वन यू वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। पर मुझे पता है यू टू क्या है, जीरो, तो v2 will be equal to 2, एक मास m है और एक मास क्या है, m और 4m मिला के कितना 5m है, और u1 तो u है, तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 इंटू यू। ठीक, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हाफ से हाफ कैंसल, m से m कैंसल, 4 इंटू v2 की जगह 2/5 इंटू यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। चेक करो, और हाँ 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज है, और चेक करो 64% आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करने, क्लियर है यहां तक। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है। यस ठीक है, आपको एक सब्जेक्टिव शीट दी है अभी मैंने, तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 2 करना।
कितनों का आंसर आया इसमें, आना चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया है सर इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। देखो डायग्राम जरूर बनाना है, 2 kg कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास m, तो एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u2 इज इक्वल टू 0, तो मान लेते हैं कि u1 इज इक्वल टू u वेलोसिटी से ये आगे मूव कर रही है। तो हुआ क्या, कोलिजन के बाद 2 kg की बॉडी रिटर्न्स का मतलब वापस आगे रीबाउंड कर गई विद वेलोसिटी कितनी, 1/3, 1/3 का मतलब जो इनिशियल थी उसकी 1/3, इसके बारे में मुझे पता नहीं, फाइंड वैल्यू ऑफ मास m। तो आप एक काम करो, इसमें v1 का फॉर्मूला यूज कर लो, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसके अंदर u2 को तो उठा के पुट कर दो 0, v1 की जगह क्या सिखाया था, रीबाउंड कर रही है, तो यहां पर क्या पुट करना है, माइनस u/3, प्लस नहीं, माइनस u/3, डायरेक्शन चेंज है, m1 की जगह 2 kg, m2 की जगह m, 2 प्लस m इंटू यू, यू से u क्या हो गया, कैंसल, सॉल्व करो, m कितना आ रहा है चेक करो, 4 kg। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, m बाई m की रेशियो। इन इलास्टिक कोलिजन अभी हमने की नहीं है, ये भी रुक जाओ, ये हमने कर लिया 64% वाला क्वेश्चन, यहीं से पूछा था मैंने 64%। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, वॉट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 19 टाइम्स। जैसे मैंने 4 times m बोला, इसमें 19 टाइम्स m है, ठीक है। वैसे कई लोग इसका शॉर्टकट याद करते हैं, पता क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए वो ये शॉर्टकट याद करते हैं, के टाइम्स m। अब के टाइम एम में फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का ये फॉर्मूला था, अब क्वेश्चन में अगर आता है कि मास 4 times है, तो के को उठा के ना 4 पुट कर देंगे, 19 times है, 19 पुट कर देंगे के को, जो भी मास है यहाँ पुट कर देंगे, 1 second में आंसर शॉर्टकट बन गया। तो लिख लो फॉर्मूला बुकलेट में शॉर्टकट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इस केस में 4k/k+1 का होल स्क्वायर। NCERT में 3 number में नहीं लिख सकते, 1 number में ऑब्जेक्टिव में जो मर्जी कर देना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो चली जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया ना, जितने मर्जी टाइम मास आ जाए वहीं से आंसर आ जाएगा।